नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रचा सिंह। मशहूर कथावाचक बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों 9 दिवसीय पदयात्रा पर निकले हैं। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली गई है, लेकिन यात्रा के दौरान झांसी में किसी ने बाबा बागेश्वर पर हमला कर दिया। फूलों से स्वागत करने के दौरान किसी ने उनके ऊपर मोबाइल फेंक दिया, इस कारण उनके चेहरे पर चोट आई, लेकिन अब इस पर बाबा बागेश्वर ने सफाई दी है। देखिए रिपोर्ट। फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। चलो भैया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा उत्तर प्रदेश के झांसी में पहुंची। इस यात्रा के दौरान किसी शख्स ने बाबा के ऊपर मोबाइल फेंक कर मार दिया। मोबाइल बाबा के गाल पर आकर लगा। बाबा ने इस घटना को लेकर हमले की खबर को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ये हमला नहीं है, किसी भक्त ने मेरे ऊपर फूल फेंके, फूलों के साथ ये मोबाइल भी आ गया, उस भक्त को मोबाइल लौटा दिया गया है, ये कोई बड़ी घटना नहीं है और ना ही हमला है। बता दें कि आज बागेश्वर बाबा की यात्रा का 6वां दिन है। हिंदू एकता यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक जारी है। यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हजारों लोग बाबा के साथ पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां फूलों से स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी बागेश्वर बाबा के साथ जुड़े थे। इसके अलावा द ग्रेट खली भी शामिल हुए थे। किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था, जो यहां थोड़ा लगा था, वो अब वापस भी कर दिया गया है और किसी भी प्रकार से ऐसा अभी तक नहीं हुआ और किसी भी प्रकार की साजिशें न चलनी है। दोनों प्रदेश की शासन प्रशासन सख्त है, हम साधुवाद दे रहे हैं और लाखों लोग शांति के साथ, क्योंकि ये अध्यात्मिक यात्रा है, कोई राजनीतिक या किसी के खिलाफ की यात्रा नहीं है, जन जागृति की यह पदयात्रा है, सब लोग शांति से हैं। तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा ना बनाया जावे, ताकि किसी के मन में जो धाम से जुड़े हुए लोग हैं उनको सोचना गलत प्रार्थना होवे, यही हम प्रार्थना अभी इस वीडियो के माध्यम से करना चाह रहे हैं। सब ठीक है, बढ़िया चल रहा, सिर पर सीता राम, फिकर फिर क्या करना, अब तो हर हाल में जैसे भी होगा मंजिल को पाकर रहेंगे। इस देश की सबसे बड़ी दीवार जात पात छुआ छूत ऊंच नीच को मिटवा करके रहेंगे, सबको जगा करके रहेंगे, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा प्रण है, इसीलिए दिन ना रात लगे हुए हैं, इसीलिए गलत अफवाहों से भी बचें। धन्यवाद। भेजा तो फेंका, फूल फेंके होंगे तो मोबाइल भी फेंका, यहाँ लगा था वापस कर दिया, साधारण सा था, फूल की जैसी ही उसकी चोट थी, किसी श्रद्धालु के से हुआ और गलती से हुआ है उससे, वो जानबूझकर उसने नहीं किया, वो भी श्रद्धालु है, वो भी परिवार का सदस्य है और यहाँ सब अध्यात्मिक लोग जा रहे हैं, बाकी धर्म विरोधियों के लिए कुछ कहना नहीं है। धन्यवाद। 9 दिनों तक चलने वाले बागेश्वर बाबा की इस यात्रा में लाखों की संख्या में भक्त शामिल होकर जिस रास्ते से निकल रहे हैं वो भगवामय हो जा रहा है। एमपी यूपी से लेकर बिहार, राजस्थान और दिल्ली तक से श्रद्धालुओं का जमघट बाबा बागेश्वर के समर्थन में पहुंच रहा है। मऊरानीपुर झांसी से सी न्यूज संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा 21 नवंबर से शुरू हुई थी और अब तक इसे जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। यात्रा का 6वां दिन था जब ये झांसी पहुंची और इस दौरान हजारों लोग पैदल उनके साथ चल रहे थे। यात्रा के रास्तों पर जहां भी ये यात्रा गुजरती है वहां भक्तों द्वारा फूलों के साथ स्वागत किया जाता है। यात्रा के प्रति जन समर्थन और लोगों की आस्था साफ दिख रही है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।